इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के स्पीकर कविंद्र गुप्ता पर नागपुर का एजेंडा लागू करने का आरोप लगाया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जावेद राणा का आरोप है कि कविंद्र गुप्ता सदन में नागपुर का एजेंडा चला रहे हैं और सदन को प्राइमरी स्कूल की तरह देखते हैं। स्पीकर पर आरोप लगाने की वजह से बीजेपी नेताओं ने जावेद राणा के निलंबन की मांग की है। बड़ी खबर है और खासकर इस खबर में बड़ी बात यह है कि बकायदा स्पीकर के ऊपर आरोप लगाए गए। मुझे इस चीज की जो है बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन मैंने स्पीकर साहब को हिंदू कह के नहीं पकारा कि आप हिंदू हो। मैंने ये कहा कि हिंदुत्व का एजेंडा जो है, जो नागपुर की डायरेक्शन यहाँ चलती है, यहाँ की जो पीडीपी और बीजेपी की जो कोलिशन सरकार है वो नागपुर की डायरेक्शन से चलते हैं, झंडा वाला की डायरेक्शन से चलते हैं और आरएसएस की डायरेक्शन से चलते हैं। यहाँ मैंने उनको कहा कि जनाब आप हिंदुत्व का एजेंडा जो है वो हम ये नहीं चलने देंगे। मैंने स्पीकर साहब को एज ए हिंदू नहीं पकारा। मुझे, हम एक सेकुलर मुल्क में रहते हैं जहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई की तरह रहते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि मैं पिछले 13 साल से लेजिस्लेटर हूँ। आपकी बात जो मैंने ये ढंडोरा यहाँ देखा है ये बदकिस्मती की बात है। स्पीकर साहब को ये सब चीज़ें जो हैं इन चीज़ों का नोटिस लेना चाहिए और स्टडी करनी चाहिए कि हाउस की प्रोसीडिंग कैसे चलनी होती है। इस सिलसिले में उन्होंने शायद इस पर प्रोटेस्ट किया, वो एक एक्सप्लाइटेशन करना चाहते हैं, एक बात की एक्सप्लाइटेशन करना चाहते हैं और अपनी जो वीकनेसेस हैं उनको छुपाने के लिए, उसको एक हमारा जो हमारी जो रिजेंटमेंट थी उसको डायल्यूट करने के लिए उन्होंने सुबह ये ड्रामा किया है। पर आपको लगता नहीं है कहीं आप इवन हिंदुत्व की बात जब स्पीकर साहब पे आप उंगली करके कहते हैं? वो मुझे लग रहा है। मैं ये कहूंगी इस बार भी मुझे, अभी मैं ग्रांट से बोल रहा था और आप लोग शायद हैं कि एक आदमी बोल रहा है तो दूसरे वो कंक्लूड, उसको स्पीकर साहब को कहना चाहिए कि आप कंक्लूड करो। मैंने उनको कहा मुझे 2 मिनट दीजिए मैं कंक्लूड करूं। मैंने कहा 1 मिनट दीजिए मैं कंक्लूड करूं। मैंने कहा 2 सेकंड दीजिए मैं आपका शुक्रिया करूं और मैं इसको कंक्लूड करूं। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, हॉस्ट डिस्टर्ब रहा 20 मिनट, लेकिन मुझे उन्होंने 1 सेकंड या 1 मिनट देना भी गवारा नहीं किया। तो इससे लगता है कि स्पीकर साहब की जो ये कार्रवाई है ये मुझे बाश लगती है और हमें इस हाउस में जो है एक कॉन्फिडेंस के साथ हम अपनी बात नहीं कर पा रहे हैं, हमारी बातों को दबाया जाता है और ये मुझे लगता है कि आरएसएस का एजेंडा है। क्योंकि रजौरी मुझे लगता है कि मैं जिस रीजन बैकवर्ड रीजन से ताल्लुक रखता हूँ और नेशनल कॉन्फ्रेंस का वाइस एमएलए हूँ, क्योंकि पीडीपी और बीजेपी की कोलिशन सरकार है और मेरी आवाज वहाँ दबाना चाहते हैं रजौरी पुंछ में, जो कभी दबेगी नहीं। हम रियासत का सौदा कभी नहीं होने देंगे, रियासत के स्टेटस का सौदा कभी नहीं होने देंगे और मैं ये कहूंगा कि ये इसी साजिश का नतीजा है कि रजौरी पुंछ की आवाज जो है यहाँ हाउस में नहीं। राणा साहब, आपको लगता नहीं है कि यू डोंट फील लाइक अपोलोजाइजिंग? आपने ऐसे वर्ड यूज किए एक स्पीकर के लिए, एक स्पीकर की चेयर पे कोई शख्स बैठा हो आप उसको हिंदू कहते हैं, फिर आप हिंदू का एजेंडा, आप फिर वही बात दोहरा रहे हैं। देखिए मैंने आपको ये बात मैंने मैंने ये कहा कि यहाँ हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, हिंदू स्पीकर भी यहाँ बने, मुसलमान स्पीकर भी बने, यहाँ हिंदू डिप्टी चेयरमैन भी बने अपर हाउस के, हिंदू मुसलमान की यहाँ बात नहीं है। लेकिन अगर कोई आदमी बड़ी पोस्ट पे बैठ के भी किसी तरफदारी करे, पार्टी और पॉलिटिक्स का नजरिया रख के चले, तो उसको कहना तो जरूर है। मुझे लगता है कि स्पीकर साहब बायस्ड हैं और ये नागपुर की डायरेक्शन पे चल रहे हैं।